हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। इट विल बी अगेन अ वीडियो ऑफ 10 to 12 मिनट्स। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आई हैव नोटेड ऑल द क्वेश्चन एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद फ्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके एंड थैंक यू अगेन फॉर आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज योर कार एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस अबाउट गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइडेड टू एन ऑफिसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रोबेशन पीरियड यू डोंट गेट एनी कार और एनी सच थिंग। ओके, व्हेनेवर यू गो टू फील्ड ट्रेनिंग, ओके देन अगर जहां पे भी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जहां आप रुके हो उनमें अगर बहुत फासला है, देन यू कैन आस्क फॉर अ कार। ओके, तो इन प्रोबेशन यू डोंट गेट एनी सच फैसिलिटी, बट एज सून एज यू आर पोस्टेड देर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट देर विल बी अ नॉमिनेटेड कार फॉर यू, ओके सो यू कैन ऑलवेज अवेल दैट फैसिलिटी। और इफ देर इज नो कार, यू हैव योर पर्सनल व्हीकल, देन आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है। अगेन फॉर मेट्रो सिटी, फॉर लाइक मुंबई, चेन्नई, ऐसी जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उनके लिए इट विल बी अराउंड 8,000 to 8,500 पर मंथ। ओके, सो अराउंड 8,000 to 8,500 तक मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इफ यू आर नॉट अवेलिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ कार। ओके, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास बाइक है, आप कार यूज नहीं करना चाहते, तो आपको सैलरी में उतना जो अमाउंट है विच वैरीज विद रिस्पेक्ट टू सिटी, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, लाइक फॉर स्मॉलर सिटीज यू विल बी गेटिंग 4,000 to 4,500 रुपीज। ठीक है, वेर एज अगर मेट्रो सिटीज की बात की है तो मैंने आपको बता दिया 8,000 to 8,500। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके, सपोज आई एम पोस्टेड इन नॉर्थ इंडिया, आई एम अलाउड टू टेक माई व्हीकल। यस, यू कैन टेक योर व्हीकल, यू कैन हैव योर पर्सनल व्हीकल, डोंट वरी, अमाउंट विल बी एडेड। ओके, सेम विद एचआरए, मतलब ये बेसिक पॉलिसीज है, ये रेलवेज में नहीं है, सब जगह पे फॉलो होती है, जहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है या फिर जहाँ पे भी आपको एचआरए मिलता है, एचआरए तो सभी जगह मिलता है। तो अगर आप घर नहीं ले रहे हो जो गवर्नमेंट ने दिया है, तो यू विल बी गेटिंग प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ मनी, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नाउ दिस इज अगेन अ मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चन, दैट मैकेनिकल डोमेन इज डिप्लीटिंग एज डीजल इंजिन आर गोइंग अवे। ओके, देन व्हाट आर द एरियाज, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके, जो भी बाकी इंजीनियर्स देख रहे हैं आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगेन आई वोंट टेक मच टाइम, 2 to 3 मिनट्स। तो गाइज, डीजल इंजन इज नॉट द ओनली एरिया ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज बेसिकली फोकस्ड ओवर कैरेज एंड वैगन एज वेल। ओके, तो और ऐसा नहीं है कि ओवर द टाइम डीजल इंजन जीरो हो जाएंगे, अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% डीजल इंजन से 50% इलेक्ट्रिकल लोकोज है, इलेक्ट्रिकल लोकोज की जो तादाद है वो बढ़ रही है, ऑब्वियसली फॉर द फ्यू रीजन ऑफ एफिशिएंसी एंड ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल जो भी है वो बढ़ रहे हैं। ओके, बट इसका ये मतलब नहीं कि ओवर द टाइम डीजल विल बिकम जीरो, नो, देयर विल ऑलवेज बी अ डीजल इंजन प्रेजेंट इन इंडियन रेलवेज, बिकॉज इन वर्स्ट केस सिनेरियोस, लेट्स से देयर इज अ पावर कट, ओके वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, तो पावर कट में हमें एक सेल्फ प्रोपेल्ड चीज चाहिए, सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन चाहिए, विच इज ओनली डीजल इंजन, तो डीजल इंजन कभी भी रहेंगे। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट डीजल इंजन फेडिंग अवे फ्रॉम इंडियन रेलवेज, दे विल ऑलवेज बी देयर। तो दूसरी चीज ये है कि मैकेनिकल इज नॉट ओनली इन इंजन, डीजल इंजन मेंटेनेंस, इट इज ऑल्सो इन कैरेज एंड वैगन। सो कैरेज एंड वैगन जो है एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एवरीवेयर यू विल फाइंड अ कोचिंग डेपो जहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ ENHM एज वेल, देन क्वालिटी डिपार्टमेंट्स भी है, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे मेटलर्जी डिपार्टमेंट है, ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे मैकेनिकल का प्रेजेंस है, तो डोंट वरी अबाउट इट, मैकेनिकल विल ऑलवेज सर्वाइव, एंड वही जैसे सबकी ग्रोथ हो रही है मैकेनिकल की भी ग्रोथ होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डोंट हैव अ नेगेटिविटी कि इंजन इज फेडिंग अवे, देन व्हाट विल हैपन, नो, नथिंग विल हैपन, तो बी पॉजिटिव। अच्छा, एंड इफ यू आर कंपेयरिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स, देन ऑब्वियसली अदर डिपार्टमेंट्स आर गेनिंग मोर एंड मोर रोल इन इंडियन रेलवे, तो ये अच्छी बात है, सबका इक्वल रोल होगा, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर फीलिंग प्रेफरेंसेस एंड जोन। ओके, सी ऑब्वियसली क्राइटेरिया तो यही रहता है कि आपके जो भी आप जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं या फिर जो भी प्लेस आपको ज्यादा क्लोज है उससे क्लोजेस्ट जोन कौन से है, वहीं देख के सब भरते जोन्स, बट ऐसा होता है दोस्तों कि अलोकेशन ऑफ जोन और सिटी इज टोटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो ऐसे होप्स लेके मत बैठ जाना कि यार मुझे ये जोन चाहिए था, ये नहीं मिला तो क्या होगा। ठीक है, जहाँ भी मिलेगा जस्ट गो देयर एंड वर्क विथ फुल पावर एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू विल बी हेडिंग अ टीम। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, घर से दूर हूँ वगैरह वगैरह, अभी आप मतलब ये सब चीज़ों को झेलना सीखना ही पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके इट इज अबाउट द जॉब एंड प्रोजेक्ट्स दे आर डूइंग राइट नाउ। सो यू आर इन प्रोबेशन पीरियड, यू हैव इंटरेक्टेड विद सीनियर्स, देन हाउ इज द जॉब प्रोफाइल एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, सो गाइस, वी बीन थ्रू इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ सीनियर्स, ओके, जिसमें रिसर्च साइड के सीनियर भी थे इन RDSO, देन वी ऑल्सो इंटरेक्टेड विद कोचिंग डेपो ऑफिसर्स, देन जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उनसे भी बातें की। तो जनरली जॉब प्रोफाइल इज ऑफ मैनेजर टाइप, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, तो इट इज नॉट अबाउट
कि आपको टेक्निकलिटीज में ज्यादा जाना है, इट इज अबाउट मैनेजमेंट. जैसे अगर हम लोग प्रोडक्शन यूनिट्स की बात कर ले तो प्रोडक्शन में जो भी ऑफिसर्स है दे आर बेसिकली मैनेजिंग द आउटपुट, दे आर बेसिकली मैनेजिंग द आउटपुट. एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि उनका काम मोनोटोनस है, वो सिर्फ आउटपुट ही मैनेज कर रहे हैं, इसके अलावा भी वो बहुत से टाइप के रिसर्च एंड छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं जिससे टोटल सिस्टम जो है उसका उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. ठीक है, तो एंड यू कैन ऑलवेज हैव सम रिसर्च गोइंग ऑन पर्सनली, तो आप पर्सनली भी आप रिसर्च कर सकते हो, देन यू जस्ट प्रोजेक्ट इट टू योर सीनियर, अच्छा हुआ तो दे विल एक्सेप्ट यू, दे विल प्रेज यू. ओके, सो ये बहुत अच्छी बात होती है. इट इज ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो इट्स लाइक हार्ड, इट इज इजी बिकॉज एवरीवन इन कंट्री आर कंट्री वांट्स चेंज, एंड जो भी इनोवेटिव वेज है अगर आप वो करोगे तो बेनिफिट उसका होगा ही आपको. ठीक है, तो जॉब है मैनेजमेंट एस्पेक्ट. अगर मैं स्पेसिफिकली बता दूं मैकेनिकल्स के लिए, तो जो जॉब लोकेशन होती है वो डीजल वर्कशॉप होगा या फिर कोचिंग डेपो होगा या फिर वर्कशॉप होगा वैगन वर्कशॉप वगैरह ऐसे, या फिर पीयूज में भी जा सकते हो आप या फिर आरडीएस में भी जा सकते हो, सब जगह पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है. ठीक है, अभी इसमें होगा क्या, एट द स्टार्ट यू विल बी लाइक अ जूनियर मोस्ट ऑफिसर देयर, योर बेसिक जॉब इज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, तो आपका जॉब जो वही है कि आपको सब चीजें समझनी है एंड असिस्ट करना है टू योर सीनियर. अगर आप आरडीएसओ में हो तो यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट प्रोफाइल, आप ज्यादातर चीजों के रिसर्च में ध्यान दोगे. ठीक है, आप कोचिंग डेपो में हो तो आपको जो आउटर है आपका जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो आपने फॉलो करना बहुत जरूरी है, आपने एक डेली रिपोर्ट होती है वो जनरेट करना बहुत जरूरी है. अगर आप डीजल शेड में हो तो आपको आउटर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये सब जगह पे थोड़ी थोड़ी अलग होंगी. ठीक है, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो फिक्स होती है. ओके, सेम विद एसएनडी, सेम विद अदर ऑल डिपार्टमेंट्स, सिविल, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, सबके लिए ऑलमोस्ट जो भी नेचर होता है जॉब का सेम ही होता है. इट इज मोर ओवर ऑफ मेंटेनेंस बिकॉज ट्रेन्स आर रनिंग एंड आपको उन ट्रेन्स की स्मूथ रनिंग में कंट्रीब्यूट करना है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, ये शायद क्वेश्चन पहले भी हो चुका है. सर, प्रिपरेशन ऑफ सीएससी विथ रेलवे इज पॉसिबल और नॉट? ओके, ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, आपने जो भी एम है वो डिसाइड कर लेना चाहिए अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है. ओके, एंड मतलब आपको सीएससी एग्जाम दे के लेट्स से हायर पोस्ट पे जाना है और भी एएस पीएस आईआरएस या फिर से रेलवे में ही आके आपको आईआरडीएस आईआरपीएस ज्वाइन करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, तो आपने ये डिसाइड कर लेना है. ठीक है, क्योंकि देखो अगेन द गुड थिंग अबाउट रेलवे इज रेलवे गिव्स यू ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जिसमें आप एक साल ड्रॉप ले लो. ठीक है, आपकी जॉब सिक्योर होगी. गो एंड स्टडी वेल, गिव एग्जाम, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्ट कीजिए, एंड अगर आप नहीं हुए वहां पे तो आपके लिए रेलवे के दरवाजे तो ओपन ही. ठीक है, तो ईओएल ये प्रोविजन रेलवे से मिलता है तो अच्छा है, आपको करना है कर लीजिए. बट पैरेलल प्रिपरेशन से प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि ना आप अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हो. ओके, अगर और ना ही आप सीएससी पे ज्यादा ध्यान दे पाते हो, क्योंकि सीएससी छोटी एग्जाम तो है नहीं अपने यूनिवर्सिटी वाली की थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और हो गया नहीं. ओके, अच्छा देर आर एक्सेप्शन, लोगों ने किया भी है. ठीक है, तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि होगा ही नहीं, इट्स टोटली अप टू यू. बट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग अच्छे से कर लो, अगर आप सीएससी कर रहे हो तो वही अच्छे से कर लो. ठीक है, तो ये डिसाइड कर लो. आपको रेलवे एक साल देगी ईओएल, आप उसमें अच्छे से पढ़ो एंड जो भी आउटकम है उसको एक्सेप्ट करो. ओके, बट पर्सनली पैरेलली करना मैं प्रीफर नहीं करता बिकॉज इट विल बी लाइक रूइनिंग योर ट्रेनिंग. जो ट्रेनिंग सबसे अच्छा फेज होता है उसी वही खराब हो जाता है, क्योंकि आप ना ट्रेनिंग पे ध्यान दे पाते हो और ना आपका कंप्लीटली सिविल सर्विसेज का पढ़ाई होता है. ठीक है, तो अगेन इट्स अप टू यू. माई कॉल इज कि आपने नहीं करना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी एक साल था, आपने कर लिया सब कुछ चीजें तो अच्छी है. बट अगेन यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट जो जिन्होंने किया है, जिन्होंने क्रैक कर दिया है सीएससी बाय प्रिपेयरिंग पैरेलली. देयर आर मेनी पीपल, वो आपको मुझसे अच्छा गाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू रेलवे ऑफिसर्स गेट अ चांस टू विजिट अब्रॉड? यस, दैट्स इट, दैट इज अ फॉरेन ट्रेनिंग. तो अभी रिसेंट जो बैच थी हमारी वो फ्रांस गई थी, 1 वीक का ट्रेनिंग था. हमारा ट्रेनिंग होगा नहीं पता हमें, क्योंकि जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, तो होपफुली वो पोस्टपोन ही होगा. ठीक है, नहीं होने वाला जल्दी. तो देर आर चांसेस, अगेन एक कंट्री नहीं होती गाइस, 2-3 कंट्रीज होती है, उनमें से किसी एक में आपको भेजा जाता है. इट्स अ 1 वीक प्रोग्राम. ठीक है, 1 वीक में आप जाना है, वहां पे स्टडी करना है 5 डेज एंड देन यू विल बी बैक. तो देर इज अ फॉरेन ट्रेनिंग. देन हाउ मच लीव यू गेट इन प्रोबेशन पीरियड? लीव पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, तो इसमें कोई चीज नहीं है, सब आपको लीव्स तो मिलती है. यू आर नॉट अ टेम्पररी पर्सन, आप परमानेंट हो चुके हो. ठीक है, परमानेंट इन द सेंस यू हैव बीन अब्सॉर्ब्ड इन रेलवेज, तो आप को जितनी भी नॉर्मल फैसिलिटीज एक मतलब पोस्टिंग के बाद मिलेंगी वही सब फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ लीव्स यू विल बी गेटिंग ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड. ओके, ओके, तो देयर इज अ थिंग आईआरएमएस प्रमोशन पॉलिसीज. ओके गाइस, ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आईआरएमएस के बारे में जो भी है वो अभी तक किसी को क्लियर नहीं है बिकॉज कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया. ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है
एक डिटेल एनालिसिस होगा उस पर और हम आपको बता देंगे ओके जितने, लेकिन जितना भी हमने अपने प्रोफेसर हमारे या फिर हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनसे बातें हुई है तो एक कैजुअल जो टॉक्स होती है उनमें कुछ इन्फो हमें पता चलेगा, पता चला था ठीक है। और ये सब मैंने चीज़ें आपसे शेयर की हुई है, एक वीडियो बनाया मैंने उस पर ठीक है, तो प्लीज उसमें देख लेना, अच्छी बुरी सब चीज़ें मैंने बता दी है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट पार्लियामेंट्री अटैचमेंट एंड फॉरन अटैचमेंट। ओके फॉरन अटैचमेंट तो मैंने आपको बता दी, पार्लियामेंट अटैचमेंट यस देर इज अ कोर्स ऑफ पार्लियामेंट अटैचमेंट ठीक है, एंड ये जस्ट बिफोर आपकी जब ज्वाइनिंग होती है उससे पहले होता है ये कोर्स ठीक है। तो देर विल बी अ पार्लियामेंट अटैचमेंट ओके एट दिल्ली। तो दीज वर फ्यू क्वेश्चन जो आए थे ओके और भी बहुत से क्वेश्चन है, सब आंसर करेंगे डोंट वरी ओके। नाउ देयर इज अ अनाउंसमेंट दैट मैंने एक रिसेंटली कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था अबाउट द लाइव स्ट्रीम ओके। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए ठीक है, क्योंकि ये वन बाय वन सेशन में थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन होता है ओके। एंड उसके बाद कुछ सजेशंस हैं आपको कौन सा टाइप का कंटेंट चाहिए इस चैनल पे, बोलिए मुझे, मैं वैसे वर्क करूंगा क्योंकि अभी जितना मेरे दिमाग में आ रहा है वो वैसे चीजें बनाते जा रहा हूँ, बट आपसे इनपुट लेना बहुत जरूरी है ये मुझे फील हो रहा है, तो इसीलिए ये लाइव स्ट्रीम सेशन रखा है, तो प्लीज इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए ओके। एंड दिस विल बी अ शॉर्ट सेशन ऑफ 30 मिनट्स, सो आई होप यू ऑल ज्वाइन एंड यू ऑल गिव मी आइडियाज अबाउट व्हाट शुड वी प्रोसीड ओके। एंड वन मोर थिंग, दिस चैनल इज नॉट फॉर जनरेटिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओके। यू माइट सी की एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, इसका मतलब मोनेटाइज हुआ है ठीक है, तो इट इज बिकॉज की जो भी चीजें जो भी रेवेन्यू यूट्यूब से आ रहा है ठीक है, हम यूट्यूब को क्यों छोड़ें ठीक है, नॉन मोनेट अगर मोनेटाइज नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइक कंप्लीट प्रॉफिट ऑफ यूट्यूब, समवन विल बी अर्निंग इन ये जो हम नॉलेज शेयरिंग चल रही है उसमें किसी और का फायदा होने से अच्छा वो पैसा हम हमारे पास रखते हैं एंड वी विल डोनेट इट ओके। सो एवरी ईयर जो भी अमाउंट इस चैनल से आएगा विल बी डोनेटिंग एंड विल बी शोइंग अ रिसिप्ट ठीक है, एक रिसिप्ट आपको बता देंगे कि इतना अमाउंट आया है एंड डोनेट ठीक है, हार्डली इट इज अर्निंग $2 to $3 ओके। सो around 30, 40, 50 dollars जितने भी आएंगे we'll be donating it and we'll be showing it to you because this is not at all for a profit generation, it is only for knowledge sharing and motivating you because when I used to study I used to search for such videos कि जिससे फ्यूचर पता चले ठीक है, जिससे आप जिस एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम वो एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कैसे कैसी लाइफ मिलेगी या फिर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी ये पता चलने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ओके। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जब भी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब ये एक सीरीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी उस फेज में है उनको एक तरह से मोटिवेशन मिले एंड यही इस चैनल का गोल है ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर सेफ एंड प्लीज बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।